अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पिछले साल से जब सेमेस्टर शुरू हुआ था और एडमिशन शुरू हुए थे सबसे पहले एमबीए के जून के महीने में, तब हमें पता लगा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बदल दी गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो नई आई है उसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम दिल्ली से किया है, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल से किया है, वो एनसीटी कैटेगरी में आएंगे, जिसका कि 85% सीट्स है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। और अगर उनको एनसीटी कैटेगरी के अंदर रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में सीट्स पे अप्लाई करना है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट से बनवाना पड़ेगा। ये पूरा सिचुएशन जब ये बदलता है, रिजर्वेशन पॉलिसी बदलती है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, ब्रोशर में एक दो लाइन में इसको बहुत ही इस तरीके से लिखा जाता है कि स्टूडेंट्स समझ ही ना पाए इसको। और हमें ये तब पता लगता है जब स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता। While applying to AUD, there was no option for choosing between NCT or ONCT Delhi on the application form, as far as I can remember. For students like me, who have been a resident of Delhi and have been schooled here and graduated from this capital city, I assume the university had automatically put us under the NCT Delhi category because of the very reason that our residence and graduation is from Delhi. And because we were STs, we by default came to be listed as NCT Delhi STs. And it's the same for others, SCs and OBCs too. So after having cleared the entrance exams, AUD then denied us admission because we did not have an NCT Delhi caste certificate. और तब से लेकर अभी तक स्टूडेंट्स AUD के प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारा पहला जो इशू है वो हाई फीस को लेकर है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 30,000 से 40,000 तक की फीस है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पे सरकार चाहती है कि बच्चे आए, स्टूडेंट्स आए और वो पढ़ें और सबके लिए एक्सेसिबल हो एजुकेशन, ऐसे सिचुएशन आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी में नहीं देखने को मिलती है। उसके साथ ही ये दूसरी चीज भी ऐड हो जाती है कि पैंडेमिक चल रहा है। इस पैंडेमिक के टाइम में जब सारे यूनिवर्सिटीज को निर्देश आए हैं DHE से कि अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है फीस भरने में, ऑनलाइन क्लासेस करने में, तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे, पूरा सपोर्ट करे उन स्टूडेंट्स का, ताकि वो पढ़ पाए, क्लासेस ले पाए, उनका वो ड्रॉप आउट ना हो जाए। ऐसे पूरे सिचुएशन में हम देखते हैं कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी 40,000 से पैसे फीस कम करने के लिए राजी नहीं है। तो स्टूडेंट्स लगभग डेढ़ महीने का हमारा पूरा प्रोटेस्ट चला था, जब हमने यूनिवर्सिटी में पूरा शटडाउन किया था, कोई क्लासेस नहीं हो रही थी, कोई डिस्कशंस हमारे प्रोफेसर्स के साथ में नहीं चल रहे थे। और इस सब के बावजूद ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो गया कि एक स्कूल जो कि SCCE का स्कूल था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, उस स्कूल का उन्होंने सिर्फ फीस कम किया 5,000 रुपया। बाकी ये सारे जो स्कूल्स थे जिसमें वही सेम फीस एक्स्ट्रा म्यूरल कॉस्ट अप्लाई होती थी, उनकी फीस कम नहीं की गई। साथ ही ये बोला गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है उनको टैबलेट्स मिलेंगे। अब ये टैबलेट्स देने का एडमिनिस्ट्रेशन का ये तरीका है कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में है पैंडेमिक के वक्त, जब सब लोग, सारे स्टूडेंट्स कोशिश करके अपने घर पे बैठे हुए थे क्योंकि कोई उनका पैसे भेजने का साधन नहीं था, पैसे कमाने का साधन नहीं था, जब सब लोग स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में, बिहार में, असम में, केरला में, उत्तराखंड में गए हुए हैं, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं को टैबलेट्स देंगे जो स्टूडेंट्स दिल्ली में फंसे हुए हैं। और ये करके एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10 टैबलेट्स निकालता है। हमारे खुद के एक दोस्त हैं जो कि उस समय बंगाल में थे, और उनको बोला गया कि आपको टैबलेट लेना है तो आप दिल्ली आए। तो उस समय जब अगस्त का महीना चल रहा था, सितंबर का महीना चल रहा था, जब पैंडेमिक का फिर से एक वेव निकला था दिल्ली में, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कहता है स्टूडेंट्स को कि आप दिल्ली आइए अगर आपको टैबलेट चाहिए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब एडमिशन सच में शुरू हो गए हैं UG और PG के, हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स भारी मात्रा में हमको सुबह शाम दिन में कॉल करके बता रहे हैं कि कैसे उनको एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा है। वो कितना कोशिश कर रहे हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से SDM ऑफिस उनको कह रहा है कि अगर आपको ये दिक्कत रिजॉल्व करनी है तो आप दिल्ली आइए।
या फिर कहीं पे तो साफ तौर पर SDM ऑफिस मना कर दे रहा है कि आपका सर्टिफिकेट क्यों बनेगा दिल्ली से, जबकि आप SC या ST कम्युनिटी जो आपकी है वो बिहार की है या केरला की है या असम की है, ये साफ SDM ऑफिस कह रहा है। और ये सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अच्छी तरीके से जान रहा है। हाल ही में एक्सटेंड, ये आपको बता दें कि ये पूरा एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो अगस्त के महीने में सितंबर के महीने में ख़त्म होना था, लेकिन जिस तरीके से ये रवैया है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस तरीके से लापरवाही की है, जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसमें स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत आई और स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं कर पाए AUD में, कि ये होना हुआ कि 31 दिसंबर तक डेट एक्सटेंड की गई। अब 31 दिसंबर जा चुका है, उसके बावजूद अब एक नोटिफिकेशन आया है पिछले हफ्ते जिसमें दिखा है, जिसमें साफ बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कि 19 कोर्सेज हैं PG के, जिसमें से 19 के 19 कोर्सेज में से EWS कैटेगरी की सीट्स खाली हैं, 17 कोर्सेज में OBC की सीट्स खाली हैं, 16 कोर्सेज में SC की सीट्स खाली हैं और 15 कोर्सेज में ST की सीट्स खाली हैं। 19 कोर्सेज में से लगभग आप देख लीजिए आधे, मतलब लगभग सारे ही कोर्सेज में रिजर्व सीट्स खाली हैं। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती लागू कर रही है, जिसके बारे में जो अप्लाइंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं था, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोटेस्ट से पहले पता नहीं था, और अब इतनी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने में, इतनी दिक्कत हो रही है फीस जुटा पाने में। हमको स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमने एडमिशन हेल्पलाइन चलाई है ISEC की तरफ से, हमको स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो अपने पड़ोसियों से पैसे मांग के फीस भर पा रहे हैं। प्रभा गुप्ता, AUD करमपुरा BA GS की एक स्टूडेंट, तो जो समस्या मुझे इस साल एडमिशन के अंतर्गत आया वो ये था कि आई कम फ्रॉम एन EWS कैटेगरी एंड आई लिव इन त्रिपुरा विच इज़ लाइक फार फ्रॉम दिल्ली, और मेरा कोई लिंक नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी AUD से, तो और यूनिवर्सिटी से भी हमें एक परफेक्ट एक जो एक फ्यू वीवर होता है वो हमें नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे यही समस्या आया कि मैंने जब इसके पहले साल का फ्यू वीवर चेक किया तो मैंने देखा कि मुझे 15K पे करना है, हाफ पे करना होता है EWS को। तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर थी, मैं 15K, आई वॉज रेडी विथ 15K, आई वॉज हैप्पी, एंड देन एट द टाइम ऑफ द पेमेंट आई सो इट वॉज 30K। And then I called someone, like I don't know whom I called, because website से हमें जो भी number मिला था मैंने बहुत सारे number पर call किया लेकिन कोई response नहीं आया। तो last एक number पर मैंने call किया, वहाँ पर यह बताया गया कि they will adjust later, लेकिन I have to pay 30K, which is a huge amount। और 6 घंटे ही बचे थे, last जो date था उसी date में मैंने pay किया था, तो 6 घंटे ही बचे थे मेरे पास, और I just know कि how I managed, like मैं यहाँ से वहाँ, आई वॉज जस्ट रनिंग फॉर मनी, आई बोरो 2,000-3,000 फ्रॉम लाइक माई नेबर्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, एंड देन समहाउ आई डिड दिस, एंड आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, बिकॉज ये एक मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पास कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था, और सब कुछ इतना हेजर्ड था ना, सब कुछ इतना सडनली हो गया लाइक, और उन्होंने कोई क्लेरिफाई भी नहीं किया। आज तक मेरा एडमिशन हो गया अक्टूबर को और आज तक फी वेवर नहीं आया, वो लोग ने कुछ एडजस्ट नहीं किया, क्लासेस के टाइमिंग्स भी डिफरेंट है, रेगुलर क्लासेस नहीं होते हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इस तरीके की सिचुएशन पूरी यूनिवर्सिटी में आ गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चुप बैठा हुआ है, इस पे कोई भी रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हम मनीष सिसोदिया के घर पे गए, मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में जो उनके ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, हम 3 लड़कियां गई थी उनके घर पे, उन्होंने इस तरीके से डिसमिस किया, हमारी बात तक उन्होंने नहीं सुनी, और जो हमारे साथी CM ऑफिस के बाहर खड़े थे उनको डिटेन करवा दिया और उनको धमकाया पूरा 4 घंटा की आपके ऊपर FIR फाइल होगी। इस तरीके का कंबाइन जो रवैया है, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ये पूरा हमारी यूनिवर्सिटी को एक अनडेमोक्रेटिक स्पेस बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन गारंटीड है स्टूडेंट्स को, SC, ST, OBC कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को, उसको पूरी तरीके से खत्म कर रही है, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको डी एनरोल किया जा रहा है। मैं उनमें से एक स्टूडेंट हूँ जिनको डी एनरोल किया गया है।
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फीस बिल्कुल भी भर नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो फीस नहीं दे पाए और उनको डी एनरोल कर दिया। और इस वक्त यूनिवर्सिटी में लगभग 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको डी एनरोल किया गया है, क्योंकि वो 31 दिसंबर तक अपनी फीस नहीं भर पाए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है फीस को लेकर, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये हथकंडा अपनाती है कि हम स्टूडेंट्स को अगर डी एनरोल कर देंगे तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही, कॉलेज से मेरा इतना ही अपेक्षा है कि प्लीज़, आप स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें हो रही है, मेरे जैसा प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुआ है, बहुत EWS कैटेगरी के मेरे क्लासमेट्स, डिफरेंट स्कूल के क्लासमेट्स सब ने देखा है। तो प्लीज़ ट्राई टू इन्फॉर्म अस एटलीस्ट, क्योंकि वी आर न्यू टू दिस यूनिवर्सिटी, राइट। तो बस इतना ही बोलना था एंड थैंक यू। इस सबके खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को किसी भी तरीके से हम एक अनडेमोक्रेटिक स्पेस नहीं बनने देंगे, एक ऐसा स्पेस नहीं बनने देंगे जहाँ पे अम्बेडकर के नाम पर ही रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म किया जाए।